morning students, how are you all? I hope you all are fine. I am Lakshmi and we are doing lesson 3, My Home. My home means मेरा घर. हमने last session में क्या पढ़ा था? Yes, we talk about house and home. हमने house किसे कहते हैं और home किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था. We will discuss today rooms in a house. आज हम हाउस में रूम्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, कि कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. यानी हमारे जो हाउस में जो रूम्स होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और उसके जो यूज़ होते हैं वो भी अलग होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ लिविंग रूम. तो बच्चों, लिविंग रूम में हम क्या करते हैं? यस, हम लिविंग रूम में बैठते हैं. अपने गेस्ट को हम कहाँ बैठाते हैं? लिविंग रूम में बैठते हैं. टेलीविज़न जो होता है वो भी हमारे लिविंग रूम में हम रखते हैं, है ना. हम टीवी देखते हैं वहाँ बैठ के, और जब गेस्ट आते हैं तो हम उनके साथ वहाँ पर बातें करते हैं. और टी और कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी हमें पीना होता है, हम कहाँ पर बैठ के ये सब पीते हैं? गेस, लिविंग रूम. तो लिविंग रूम जो होता है वो कौन सा कमरा होता है जहाँ पे हम बैठकर बातें करते हैं या अपने ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क है. आप शाम को कहाँ बैठते हैं? यस, लिविंग रूम में. और टीवी भी हम लिविंग रूम में ही देखते हैं. ओके, ये होता है लिविंग रूम. नेक्स्ट इज़ किचन. यस, किचन में कौन जाता है ज़्यादा? यस, मम्मी जाती है. किचन किस यूज़ में आता है? यस, किचन में मम्मी क्या करती है? यस, कुक फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाती है. तो वो इम्पॉर्टेंट हुआ, है ना. खाना कहाँ बनाती है मम्मी? किचन में. ओके, बच्चे नहीं जाते हैं वहाँ पे, कौन जाएगा? मम्मी जाती है, राइट. नेक्स्ट रूम इज़ बेडरूम. तो बेडरूम जो होता है वो किस लिए होता है? यस, रेस्ट करना है, सोना है. तो आप कहाँ पे जाएंगे, कौन से रूम में जाएंगे? बेडरूम में. तो बेडरूम में क्या करते हैं हम लोग? रेस्ट करते हैं और वहाँ पे सोते हैं. यानी आराम, आराम का जो कमरा होता है वो हमारा होता है बेडरूम. ओके, नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम किसे कहते हैं? जहाँ पे हम सब फैमिली जो है साथ में मिलकर खाना खाते हैं, है ना. परिवार जब साथ में मिलकर खाना खाता है उससे हमारे बीच में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, लव होता है, अफेक्शन होता है. तो हम खाना कौन सी प्लेस में खाएंगे, उस रूम को क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम. ओके, नेक्स्ट इज बाथरूम. अब जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो हम सबसे पहले फ्रेश होते हैं. तो फ्रेश होने के लिए हम कहाँ जाते हैं? यस, वी गो टू बाथरूम. हमें बाथरूम में जाके क्या करना होता है? फ्रेश होना होता है, नहाना है, आपको कुछ भी फेस वॉश करना है, तो आप कहाँ पे जाते हैं? बाथरूम. तो ये जो है डिफरेंट रूम्स होते हैं. कहाँ पे होंगे? ये हाउस में होंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि रूम्स इन अ हाउस, यानी हमारे जो घर में होते हैं वो अलग अलग रूम के अलग अलग यूज़ होते हैं. आप लिविंग रूम में तो नहीं सोते हो रात को, है ना. तो कहाँ सोते हैं? बेडरूम में. ओके, लेट्स डू अगेन. फर्स्ट लिविंग रूम, किचन, बेडरूम, डाइनिंग रूम एंड बाथरूम. ये जो हैं वो हमारे हाउस के अलग अलग रूम्स होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसमें इनका जो यूज़ होता है वो अलग अलग होता है. आई होप कि आपको जो रूम्स इन अ हाउस है वो समझ में आ गया होगा. यस, यू ऑल आर अंडरस्टूड. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग.